ओलंपिक होस्ट करने जा रहा है। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है, इंडिया खुद ओलंपिक्स को होस्ट करके बताया भाई इंडियन लोगों को कि जो है वो हम जो है वो 2036 की जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करने जा रहे हैं। यानी कि आप ये मान लेके 2036 का जो ओलंपिक्स है वो जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ओलंपिक में भारतीय टीम का 2023 में होस्ट देखकर पाक मीडिया शॉक नजर आ रही। भारत ने पूरे देश में हुकूमत की, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का नाम ऊंचा किया, भारत दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। पाक मीडिया कहना देखे वीडियो, हमेशा अच्छा कर दिया ओलंपिक्स में, अभी एशियन गेम्स में इंडिया ने अच्छा किया, इंडिया अभी ओलंपिक्स जो है वो होस्ट करेगी। पीएम मोदी इंडिया के जो है वो पीएम मोदी उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि वो 2036 में जो है कि जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करेंगे। और ऑब्वियसली सबको पता है कि रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ये बिड जीत जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2024 की जो ओलंपिक्स है वो खेली जाएगी पेरिस में, फिर लॉस एंजलिस में खेली जाएगी, और 2032 की जो है वो खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, और फिर 2036 है वो खेली जाएगी इंडिया में। और इसके साथ अगर कोई बिट करेगा उसमें जो है वो मलेशिया आ जाते हैं, पोलैंड आ जाते हैं। और देखिए बात यह है कि मलेशिया और पोलैंड की बात ठीक है, ऑब्वियसली जब सामने इतना रिचेस्ट कंट्री खड़ा होगा वो बिट लगाएगा, और मलेशिया और पोलैंड, भाई इंडिया चाहे ना तो मलेशिया और पोलैंड को खरीद सकता है, इंडिया अगर चाहे तो मलेशिया और पोलैंड को खरीद सकता है, तो ये इंडिया के सामने बिट क्या लगाएंगे ओलंपिक्स की, क्या बिट लगाएंगे, मतलब ये जितनी बिट एक बारी में लगाएंगे ना इंडिया अपनी बारी में उससे 10 गुना ज्यादा लगा देगा, फिर ये जितनी लगाएंगे फिर इंडिया उससे 1000 गुना ज्यादा लगा देगा, तो ये उधर से आउट हो जाएंगे। तो ये पक्की बात है कि 2036 की जो ओलंपिक्स है वो इंडिया होस्ट करेगा, और अहमदाबाद का जो है नाम दिया गया है कि अहमदाबाद में जो है वो 2036 की ओलंपिक्स होस्ट किए जाएंगे। देखिए ये बड़ी प्राउड की बात है, ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है, इससे पहले जो ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स है या जो भी चीजें होती है ये होस्ट करता है चाइना करता है या ऑस्ट्रेलिया कर लो, इन जैसे मुल्क करते हैं, हमारी एशियन टीमें तो खेलने जाती हैं, और कोई हम पाकिस्तानी तो एशियन गेम में भी भाई 3 मेडल हमने लिए हैं, उसमें भी एक कोई 2 ब्रॉन्ज के और एक कोई सिल्वर का था, इंडिया ने 107 मेडल लिए हैं, 107 मेडल, अंदर कोई 28 गोल्ड थे, फिर सिल्वर थे, फिर ब्रॉन्ज के मेडल थे, मतलब आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो है वो अचीवमेंट हासिल किया। और देखो ये बात मानने वाली है, एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को मानता हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को स्पोर्ट्स में बाकी चीजों में भी गोल्ड जीता है, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, ओलंपिक्स में वो बंदा गोल्ड जीता है, क्यों जीता है, जितना इंडियन क्रिकेटर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है ना उतना ही नीरज चोपड़ा को भी इन्वेस्ट कराते हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है अलग अलग कंट्रीज में जाके, कभी वो चाइना गया हुआ है, कभी कभी वो जापान गया हुआ है, कभी वो कहीं गया हुआ है, तो जितना प्रोटोकॉल उनकी मेंस टीम को दिया जाता है उतना ही वुमेन्स टीम को दिया जाता है, जितना क्रिकेट में प्रोटोकॉल मिलता है उतना ही भाई जान दूसरे स्पोर्ट्स में भी मिलता है, और उनमें ना वो करप्ट बंदे नहीं बैठे हुए, प्लेयर्स को उसकी मेहनत का फल देते हैं। और हमारे में आपको पता है हमारा कप्तान बाबर आजम ठुल्लू किस्म का है, वो दोस्ती यारी खिला रहा है टीम में, और दोस्ती यारी जीत रही है, बाकी चीजें हार रही हैं करने जा रहा है। दूसरी साइड होस्ट करना दूर की बात, बिड जो है लगाना दूर की बात, पाकिस्तान तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता, और सोचने की जो अभी तक जो पाकिस्तान में वो चीज ही नहीं आई है कि हम जो ओलंपिक्स को होस्ट कर भी सकते हैं। इंडिया इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि बुलंदियों को छू रहा है, कहने को तो जो पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे जो आजाद हुए थे, लेकिन जो वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से कई 100 साल पहले जो आजाद हो गया था, और पाकिस्तान को बहुत देर लगी है, जिस तरह से जिस स्पीड के साथ इंडिया आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, और पाकिस्तान आगे जाना दूर की बात है, वहां पर खड़े रहना भी दूर की बात है, पाकिस्तान तो दिन ब दिन जो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और फिर हमारी बातें बड़ी बड़ी होती हैं जी, हमने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया, हमारी हॉकी नीचे आ गई, हमारा फुटबॉल नीचे आ गया, हॉकी में इंडिया में जो है वो 10-2 से शिकस्त दे देता है, कबड्डी में जो है वो एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम की इंडिया ने क्या हालत बनाई है वो आपके सामने है सारी सिचुएशन। इंडिया ने जो एशियन गेम्स में 107 जो है वो मेडल जीत लिए, गोल्ड मेडल्स की जो बारिश हुई है इंडिया के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो एशियन गेम्स में एक भी गोल्ड मेडल जो है जीत नहीं पाया, और हम लोग जो है वो दिन रात जो है यही रोना रो रहे होते हैं भाई, हमारा बाबर आजम ओडीआई में नंबर 1 है भाई, हमारी टीम जो है नंबर 2 है भाई, और वो भी नंबर 1 और नंबर 2 होने का कोई फायदा नहीं होता, और हमारी टीम जब भी इंडिया के सामने जाती है भाई हमें बहुत सारा जो फर्क नजर आता है भाई, कि आप देख लें कि एशिया कप के मैच में 356 इंडिया ने बना लिया, हमें जो 228 स्कोर से इतनी बड़ी शिकस्त हो गई, ये मैच आप देख लें 7 विकेट से इंडिया ने ये मैच जीत लिया 191 पे, हमारी टीम को ऑल आउट कर दिया, हॉकी में जो है वो 10-2 से शिकस्त हो गई, कबड्डी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जो बड़ी और शर्मनाक जो है वो एशियन गेम्स में हमें शिकस्त हुई थी, तो आप किस लिहाज से हम जो है वो कह सकते हैं कि हम जो है नंबर 1 है, और हम जो है वो इंडिया से आगे चले गए, इंडिया से आगे निकल के सिर्फ बातें होती हैं, इंडिया ने एप्पल स्टोर खोल लिया भाई इंडिया में, ये भी कहने के लिए छोटी सी बात लग रही है। जिस तरह भारत ने अपने देश का नाम ऊंचा किया, भारत ऐसा देश बन गया जो हाल ही में चंद्रयान 3 चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे लॉन्च किया, भारत ने एशियन गेम्स में 2023 में 107 मेडल जीत कर इतिहास रचा, भारत बहुत तरक्की कर रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का नाम ऊंचा किया।